क्या हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों आईआईटी और क्या आईआईएम के अंदर प्रोफेशन नहीं है? अगर वहाँ पे प्रोफेशन नहीं है तो आखिरकार बच्चों का प्लेसमेंट करोड़ों में कैसे हो रहा है? अगर वहाँ पे प्रोफेशन नहीं है तो वहाँ पे लाखों की फीस क्यों ली जा रही है? आखिरकार ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से और लोगों की तरफ से जो कि तैयारी कर रहे हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिनके लिए जो बच्चे रातों रात अपने रूम्स की लाइट बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो लगातार मेहनत करके अपने बच्चों की फीस भरते हैं, क्या है ये सारा मामला? आखिरकार इंडिया के ऐसे कितने कॉलेजेज हैं जहाँ पे जो है बच्चों को के पास टीचर नहीं है, कॉलेजों में टीचर नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो आईआईटी और आईआईएम एक जरिया है, वो बहुत बड़े रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर टीचर नहीं है तो हमारे लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों का क्या हाल होगा, क्या है उनका सीन? अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी आईआईएम और जैसे हमारे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, अगर उनके पास अगर प्रोफेशन नहीं है, अगर उनके पास 6,580 पोस्ट अगर खाली है, तो क्या हमारे देश के अदर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजों के पास क्या टीचर है? जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस चल रहे हैं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या उनके पास टीचर है? क्या वहाँ से प्लेसमेंट जा रहा है? क्या उनकी क्लासेस लग रही है? क्या वहाँ पे लैब्स अवेलेबल है? आज इसके बारे में अपन कंप्लीट में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें हमारे देश के आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 493 सीट्स वैकेंट है, जहाँ पे जो है प्रोफेसर्स की कमी है। इसके साथ ही हमारे देश के अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर तकरीबन 6,480 प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट दिखाई जा रही है। इसके साथ ही आईआईटीज के अंदर 4,102 सीट्स वैकेंट दिखाई जा रही है। हालांकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो हालात इनसे भी ज़्यादा खराब है, लेकिन वहाँ पे कोई ट्यूशन उठाने वाला नहीं है। हमारे देश के अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो बहुत सालों पहले प्रोफेसर्स के एग्जाम होते थे, उनके एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे, उनका सिलेक्शन होता था एंड दिस इज द गवर्नमेंट प्रोफेसर्स, लेकिन लगातार वो पद्धति खत्म होती जा रही है। गवर्नमेंट्स का ये मानना है कि हमको जो है प्रोफेसर चाहिए 1-2 टाइम। अगर मैं देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करूँ तो हमारे देश के अंदर जो है एक साल के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर 2 फेज के हमारे सेमेस्टर चलते हैं, इसके अंदर एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर कंडक्ट किए जाते हैं। हालांकि शेड्यूल को जो है लगातार गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, कॉलेजेस के प्रोफेसर ये ट्राई कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लेवल का सिलेबस बनाया जाए, लेकिन वो इसको बनाने में नाकाम है। अभी तक उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे देश के नेता जो है उनका ये मानना है कि हमको जो है स्वदेशी बनाना है, इसलिए हम जो है जो इंग्लिश जैसी जो भाषा है वो उसको उठा के हम हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो बच्चों की जो इंजीनियरिंग एग्जाम चल रही है वो इंग्लिश के अंदर होता है, हमारे देश में बच्चों को 12th के बाद में इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीबीए हो, क्योंकि बच्चों को अगर बाहर जाना है बीटेक कंप्लीट करने के बाद तो उनको जो है एक एग्जाम कंप्लीट करना होता है जिसको टोफिल बोला जाता है, एक एग्जाम आईलेट्स भी होता है जहाँ पे जो आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है। इसके साथ ही आप अगर इंडिया से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बाहर जाते हैं किसी भी देश में तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, इसलिए हमारे देश के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वो सारी की सारी इंजीनियरिंग इंग्लिश के अंदर कंप्लीट करवाते हैं, अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। इसके लिए हमारे देश के नेताजी का कहना है कि हम इसको स्वदेशी बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो एग्जाम्स हैं वो हिंदी के अंदर हो, बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाए, संस्कृत में पढ़ाया जाए। हमारे देश नेताजी जो देश के हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, वो यहीं तक काम करते हैं। इसके बाद काम शुरू होता है हमारे देश के वाइस चांसलर्स जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जो कि पूरी कॉलेज को पूरी यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, जिसको वाइस चांसलर बोला जाता है। यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है इंडिया के अंदर, बहुत सारे कॉलेजों का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस चलता है। अब इसके में गेम ये होता है कि बहुत सारी इंजीनियरिंग जो है 2 सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज कंडक्ट होते हैं, पहला सेमेस्टर में अलग टीचर पढ़ाते हैं, दूसरे सेमेस्टर में अलग टीचर पढ़ाते हैं, सिलेबस लगातार अपग्रेड होता चला जाता है।
तो यूनिवर्सिटी का ये मानना होता है कि एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चे जो है तीसरा जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर फिर से नए बच्चे आएंगे इस सेमेस्टर के लिए। तो जो प्रोफेसर को है वो एक सेमेस्टर पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हमारे पास अब कोई काम नहीं है, आप अपना काम ढूंढ लीजिए। इस कारण बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर साल प्रोफेसर चेंज होते रहते हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से अलग अलग पढ़ाया जाता है। इसको बोला जाता है पे ऑन द बेसिस, आप जितने घंटे काम करते हैं उतने पैसे लीजिए और आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज एंड बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज काम करते हैं। इस प्रकार से यह सारा प्रोसेस कंप्लीट चलता है। अगर मैं बात करूँ हमारे देश के IITs की, तो IITs के अंदर भी नॉर्मली जो एग्जाम लिया जाता है, जब भी किसी प्रोफेसर को सेलेक्ट किया जाता है उसकी वेबसाइट पे नोटिस आता है कि हमको जो है ये प्रोफेसर चाहिए। उसके लिए पहले प्रोफेसर को अपना टोकन लगाना होता है, जिसके अंदर हमारे देश के जो प्रोफेसर्स हैं, जो भी बच्चे हैं जिनका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता है, वो जाके अप्लाई कर देते हैं कि हमको टीचर बनना है। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, चाहे वो IIT हो, चाहे वो हमारे देश के IIMs हो, चाहे वो हमारे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, जैसे ही वहाँ पे पोर्टल पे होता है बच्चे जाके जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, अपना रेज्यूमे वहाँ पे लगाते हैं, उनका एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उनका रिजल्ट आता है, वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश होता है। उसके बाद उनको जो है मार्क्स दिए जाते हैं कि आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं। मार्क्स आने के बाद फिर से उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कि आपका इंटरव्यू है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स उनका इंटरव्यू लेते हैं और अपनी पोजीशंस के हिसाब से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर सेलेक्ट किए जाते हैं और जो है वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 Idiots फिल्म के अंदर दिखाए गए प्रोफेसर वैसे अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। प्रोफेसर्स का बेसिकली काम ये होता है कि अपनी क्लास में आके लेक्चर देना, लेकिन हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में वो भी पब्लिश नहीं हो पा रहा है। अगर मैं हमारे देश के 93% कॉलेजों की अगर बात करूँ, तो बच्चे अपने डाउट सोल्व करने के लिए YouTube और Google का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है भारी कोचिंग यूज कर रहे हैं। अगर मैं हमारे देश के गेट और केट जैसे एग्जामिनेशन की बात करें, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं एंड बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग करते हैं। हमारे देश के अगर मैं घरों की बात करूं, तो आप अगर किसी भी घर में जाते हैं तो आपको वहां पे कम से कम एक इंजीनियर मिल जाएगा। अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो अपने डाउट सोल्व करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टीचर को वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस या फिर इंजीनियरिंग सिलेबस नहीं बताकर मना कर देंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ केट जैसे एग्जामिनेशन और गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बच्चे इंडिविजुअल कोचिंग का यूज करते हैं। इसके साथ ही हमारे देश के एडटेक स्टार्टअप बायजूस, अनअकैडमी और फिजिक्स वाला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर अगर प्रोफेसर अवेलेबल है तो फिर बच्चों को तैयारी वहां से करने की क्या जरूरत है? क्या प्रोफेसर को वो सब आता नहीं है जो बायजूस पे पढ़ाया जा रहा है? क्या बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वही सिलेबस अगर गेट और केट के अंदर आता है तो आखिरकार बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों से क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आखिरकार उनको ऐसा क्या इश्यू आ रहा है जो कि वहां से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और लाखों रुपए देके अदर इंस्टीट्यूट से, अदर कोचिंग से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये था आज का टीचर्स का सवाल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी सीटें वैकेंट पड़ी है। अगर यूनिवर्सिटी से बच्चे कंप्लेन करते हैं तो वो नोटिस दिखा देते हैं कि हमने ऑलरेडी टीचर्स के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर मैं बात करूँ 75% क्राइटेरिया की, स्टूडेंट को यह होता है कि अगर आपको कॉलेज के अंदर एग्जाम देना है तो आपको जो है 75% का क्राइटेरिया रखा जाता है बहुत सारे कॉलेजों के अंदर, जिसके अंदर जो बच्चों को जो है अपनी अटेंडेंस का, तो अगर आपको 100 दिन आना है तो 75 दिन आपको मिनिमम प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन बच्चे इसलिए प्रेजेंट नहीं रहते कि उनके लिए टीचर ही नहीं आता, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है। इसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों की फीस भरते हैं, लेकिन आखिरकार जब ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारे देश के IITs के पास भी प्रोफेसर नहीं है,
IIMs के पास भी प्रोफेसर नहीं है। अगर आज मैं एवरेज IIM की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको जो है 13 से 14 लाख रुपए IIM पे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ ही टॉप IIM जैसे IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, अगर इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको जो है 17 से लेके 20 लाख रुपए तक यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं। तो यार ये था आज का सवाल जिसके ऊपर आप सभी लोग चर्चा कर सकते हो, और आपके इंजीनियरिंग कॉलेजों के क्या हालात हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।